तो फिर तो सब मुसाफिर भी चले गए होंगे। वो तो अब तक अपने घर भी पहुंच गए हैं जनाब। तो फिर मैं चलता हूँ। सुनिए, आप चाय के स्टॉल पर देख लें, शायद कोई थकन उतारने चाय पीने बैठ गया। हाँ, गुड आइडिया, थैंक्स। आप इस्तांबुल से आ रहे हैं? जी, मेरा नाम मखरोनिसा वल फखरुद्दीन फखरियालम है और मैं फखर जिला में रहती हूँ। तुम खाइए। आदाब। दरअसल मेरी जो कजन है वो भी आपकी फ्लाइट से आने वाली थी। तो फिर आई नहीं? नहीं। कौन खाइए? नहीं, मालूम नहीं, मुझे ही आने में कुछ देर हो गई। अच्छा, वैसे शायद आपने उसको देखा, वो छोटी सी है, जरा मोटी सी, सॉरी, उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी हैं और दो चोटियां बनाती है, हर वक्त उसको घुमाती रहती है, बहुत बेहुदा लगती है, बिल्कुल रेड इंडियन। रेड इंडियन? लेकिन हमारी फ्लाइट में तो दो अफ्रीकन औरतें आई थी, रेड इंडियन तो कोई भी नहीं है। उसे मूंगफली चरने का भी बहुत शौक है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। अच्छा, लेकिन देखो ना, मूंगफली खाना तो बहुत बुरी बात है ना, उससे दांत भी खराब होते हैं। तो बहुत कौन खा? नहीं, पता है वो ब्रेसेस भी लगाती है और बिल्कुल मॉन्स्टर लगती है, मॉन्स्टर। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम मूंगफली चरने वाली रेड इंडियन कजन मॉन्स्टर को क्या लेने क्यों आए हो भाई? भाई मैं क्या करता, घर में कोई फारिग नहीं था, मम्मी ने मुझे भेज दिया, मुझे ही आना पड़ गया। छोड़ो, तो उसका पॉपकॉर्न था भाई, मैं नहीं खाता पॉपकॉर्न। मिस्टर आमिर, आई एम नताशा, दैट्स माय रेड इंडियन कहा? नहीं, वो तो मैंने यूं ही रेफरेंस के लिए कह दिया था। मॉन्स्टर कहा? नहीं भाई, वो छोटी मोटी, चेहरे पे पिंपल्स। सॉरी, मुझे क्या पता था कि तुम पास खड़ी हो। अच्छा, तो तुम पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हो। तो तुम खामोश क्यों रही, बताया क्यों नहीं तुमने? वाह, मैं क्यों बताती, 6 साल के बाद बहुत अच्छा वेलकम दिया है ना तुमने। अच्छा भाई, आई सेड आई डिडंट मीन इट। और मैं कहती हूँ बहुत मीन हरकत की है तुमने। क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो? मैं कोई हरकत नहीं कर रही, गाड़ी की ट्यूनिंग ही खराब है। खुदा के वास्ते आमिर, ये तुम्हारी पेट्रोल की सुई क्यों नीचे जा रही है? पेट्रोल? कब डलवाया था पेट्रोल तुमने? याद नहीं, पता नहीं कब डलवाया था। क्या? This is adding insult to injury. I'll never forgive you. रोको गाड़ी, रोको, रोको बस। सॉरी नताशा बेटी, मैं और तुम्हारे खालू तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकते। दरअसल डॉली की पेरेंट टीचर मीटिंग से मुझे जाना जरूरी था। पता है मुझे चाय मिला है, आप किसी को भी नहीं मिला? ओ बेटे, मैं भी एक इम्पोर्टेंट सेमिनार में फंसा हुआ था, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आया था। कोई बात नहीं कामजान, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आमिर टाइम पे आ गया था मेरे? जी खाला जान, आपको पता है जब मैं एयरपोर्ट से निकली तो ये सामने खड़े थे, बेचारे न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। खामखा तकलीफ हुई इन्हें, है ना आमिर? सॉरी। ओ भाई, मेरी पेट से क्यों खा रहे, अपने बिस्किट खाए। अरे बेटा शुक्र करो, किसने भी क्यों जिम्मेदारी संभाली, वरना ये तो घर का काम करना अपनी तौहीन समझता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये बात बड़े रिस्पॉन्सिबल लगे। आपको पता है गाड़ी टैंकी बिल्कुल भरी हुई थी, इन्होंने मेरी इतनी तारीफ की के बस। और सबसे बड़ी बात ये कि रास्ते में कोई मिसहैप नहीं हुआ, हम बिल्कुल खैर खैरियत से घर पे पहुंचे। और खालू, आपको पता है 6 सालों के बाद इन्होंने मुझे यूं पहचान लिया, वेरी इंटेलिजेंट, है ना खालू? आज मम्मी मेरी क्लास टीचर से भी मिली थी, मैं कुछ 3 बजे के करीब घर आया था कागजात लेने के लिए।
टैक्सी में कौन आया था? साहब जी, टैक्सी में तो नशाता दीदी आई थी जी। तुम टैक्सी में आई थी? क्यों? वो गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? वो उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। तुमसे कुछ ऐसी हिमाकत की उम्मीद हो सकती थी? जाने से पहले चेक क्यों नहीं किया था? मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गया था। तुम्हें कुछ याद भी रहता है सिवाय सोने के या गिटार पर टूटा करने के? और किसी चीज से दिलचस्पी है तुम्हें? क्या फायदा है ऐसी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने? अरे गवैया बनना था तो मैट्रिक की तालीम काफी थी, इतना वक्त और पैसा बर्बाद किया। पता है दाखिले कितनी मुश्किल से मिलते हैं? नताशा को देखो, डॉक्टर बन गई है। ऐसे होते हैं जिम्मेदार बच्चे। आप भी बिना वजह गांड देते हैं। जवान बेटी को ऐसे ट्रीट करना ठीक नहीं है। आप दोनों में भी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं। बच्चियों के सामने उसे रन डाउन करना क्या जरूरी था? देख लीजिएगा, दो दिन तक हल करता है। तुम्हारे लाड ने ही इसको बिगाड़ा है। याद रखना, किसी काबिल नहीं रहेगा ये। मेरे लिए तुम लाई हो? नहीं नहीं, नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं लाना चाहिए था? और ये है आपके लिए, जो भी शायद मम्मी ने भेजा है। और मेरे लिए आपके लिए भी है क्लाउन। हाय बच्चों, पापा यू आर ग्रेट। अब हम तीन रंगीन ब्लाउज बन जाएंगे। और मम्मी ठीक है, मेरा क्लाउन बहुत प्यारा है। आइए अभी हट कर, इतने सारे सामान उठा के भेज दिया उसने। मेरी छोटी बहन है, उसका लेने का हक बनता है कि दे दीजिए। अब लेने देने की कैसी बात। खाली ये मैंने कुछ चीजें मंगाई थी और ये उसकी कुछ फरमाइश की चीजें हैं, आप उसे दे दीजिएगा। बेटी तुम ही दे आना। देखो रात को उसका मूड ऑफ, तुम्हारे खालू बात पे बात उसे डांट देते हैं बिना वजह। मुझे घर में टेंशन अच्छी नहीं लगती बेटा। और खाला आपके लिए लेटर भी भेजा है मम्मी ने। हाँ ये निशाता दीदी छोटे से आप नीचे तहखाने वाले म्यूजिक रूम में म्यूजिक बजा रहे हैं। रोज की बात है, मुझे कोई परवाह भी नहीं, इसे होता रहता है। तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ये अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम अगर डॉक्टर बन गई हो तो क्या समझती हो? इंसान को अंदर बाहर से जान गई हो। तुम मुझे नहीं जान सकती, बल्कि मुझे तो कोई भी नहीं जान सकता। मुझे नहीं पता था कि 6 सालों में तुम्हारे खालू से रिलेशनशिप इतने बिगड़ जाएंगे। देखो ये मेरा और उनका जाती मामला है, और तुम मुझे क्या यहाँ लेक्चर देने के लिए आई हो? मम्मी ने भेजा है तुम्हें? मैं ये कुछ प्रेजेंट है, मेरी मम्मी ने तुम्हारे भेजे थे, ये ले लो। थैंक्स।
मुझे अजीब सा लग रहा है इस बात। बचपन में जब मैं तुम लोगों के यहाँ रहने आती थी तो कितनी दोस्ती होती थी ना हमारी, लेकिन अब बचपन नहीं रहा है। और जरूरी तो नहीं कि जैसे हम बचपन में हो बड़े होकर भी हम वैसे ही रहे। मैंने मम्मी पापा के कहने से इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अब मैं एक कंपोजर सिंगर बन गया हूँ और मुझे यही पसंद है। कोई बुरा माने तो जरूर माने। ये तो खुद गलती है ना, हमें अपनों की ख्वाहिशात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। देखो किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर ठोंसे। पेरेंट्स को भी नहीं? जी हाँ, वो हमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालना चाहते हैं, ये सोचते ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। कभी कभी तो मुझे पापा भी बहुत अजनबी लगते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। देखो मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो हूँ। और अब तुम यहाँ आ गई हो तो मुझे रिफॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। मुझे अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, समझी? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे पर अपना दिमाग खपाने की। ये तो भारत ने कह दिया तो मैं आ गई, गलती की माफी चाहती हूँ। पता आज आलिया का फोन आया था संबोध। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर एहसान ने नताशा को हॉस्पिटल में हाउस जॉब दिलवा दी, तो बहुत खुश हुई। कहने लगी आपा वो तो तुम्हारी बेटी है, अब उसकी शादी का इंतजाम भी तुम ही करो। अब ये हमारा इडियट कुछ कर रहा होता तो हम ही ये रिश्ता मांग लेते, लेकिन ये तो सेटल होने का नाम नहीं लेता। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती कि किस मुँह से रिश्ता मांग। आजकल के बच्चे सुनते ही कहां जाएंगे, बस अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अर्शद भाई की नौकरी तो आपको पता ही है, सफारती नौकरी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर होती रहती है। ऐसी सफरी जिंदगी में बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना कितना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी हम पे डाल दी। आप प्लीज पता कीजिए। अरे हाँ याद आया, डॉक्टर एहसान कुछ दिन पहले मुझे मिले, वो अपने भांजे के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा है। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारी डॉली तो बहुत छोटी है, वरना हमें डॉक्टर रियाज को दामाद बनाने में बड़ी खुशी होती। वैसे डॉक्टर रियाज और नताशा दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं, बल्कि यूं कीजिए उनकी फैमिली को घर पर चाय या खाने पर बुला लें, हम भी उन्हें देख लेंगे और दोनों बच्चे भी मिलेंगे। अच्छा मैं देखता हूँ, वैसे फैमिली बहुत अच्छी है। नहीं यार ये वो गिटार ओरिएंटेड जिसमें रिफ तुमने एक बजाती है बहुत मेलोडिक। मैं बताता हूँ कौन सी है। बोल जाने के कभी इत्तेफाक नहीं। वैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं वहाँ। तीन चार महीने में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है अनकारा में, मैं भी जा रहा था। अच्छा, तो अगर आपकी वापसी इस्तांबुल से है तो आप जरूर जाइए और मिलिए मेरे पेरेंट्स से। जी, मे बी मैं वहाँ दो दिन का स्टे लूँ। तो फिर आप जरूर जाइए,
मेरे पेरेंट्स आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, खासतौर पर मामी, वो तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों से मिलकर इतना खुश होती है ऐसे जैसे उनके मैं कैसे कोई आया हूँ। जी जरूर, मैं जरूर जाऊँगा। वैसे अगर आपको कुछ भिजवाना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ओह थैंक यू। एहसान अंकल बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल आने जाने के लिए गाड़ी खरीद रही हैं। जी सोच रही हूँ एक गाड़ी खरीद लूँ। तो जब तक आपकी खरीदारी मुकम्मल नहीं होती तब तक मैं आपको पिक एंड ड्रॉप कर लूँगा। नहीं नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी यार। नहीं नहीं, तकलीफ कैसे, मैं यहाँ खरीद ही तो रहता हूँ और फिर पड़ोसियों का बहुत हक होता है। आपको पता नहीं है लेकिन अंदर वो लोग उनका रिश्ता दिख नहीं आएंगे और मम्मी ने कहा है किसी को नहीं बताना। अच्छा तो चलो फिर हम भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बहुत दिन के बाद आए। हाँ भाई, जिंदगी बड़ी मुश्किल। ये हमारा बेटा है आमिर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, इन्हें तो हम टीवी पे देखते रहते हैं। ये डॉक्टर एहसान की अंशीदा हैं और ये उनके साहबजादे हैं डॉक्टर रियाज। भाई जहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हों वहाँ किसी ना किसी का बीमार होना तो बहुत जरूरी होता है। अच्छा भाई अब चलते हैं, खाना खा भी जाइएगा। मैं खाना लगवाती हूँ, बिल्कुल तैयार। बस अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह खाना फिर कभी खाएंगे। अब आप लोग मिलते रहिएगा, दो कदम का तो साथ में। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका अपना घर है। आइए आइए। तो फिर मैं सुबह आपको पिक करने के लिए आ रहा। ओके थैंक्स। ओके क्या हो, कितने अच्छे लोग हैं ना। हाँ लोग तो बहुत अच्छे हैं। पता है मैंने जिंदगी में इतनी सारी बातें कभी नहीं की होंगी जितनी इस एक घंटे में डॉक्टर रियाज से कर दी। क्यों, डॉक्टर रियाज बहुत बातें करते हैं। मुझे लगा मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। लेकिन तुम एक बात बिल्कुल नहीं जानती। क्या? वो तुम्हें उल्लू बना गए। क्या मतलब? तुम क्या समझ रही हो, आज वो यहाँ यूं ही इत्तेफाक से इनोसेंटली मम्मी पापा से मिलने के लिए आए थे। तो वो तुम्हें सब्जी तरकारी की तरह खरीदने से पहले देखने भालने के लिए आए थे। क्या बकवास है भाई, तुम क्या समझ रही हो। मैं तो समझता था कि जमाना बदल गया है, कम से कम अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर इतना शऊर हासिल कर चुकी होंगी कि लोगों के सामने शोपीस बनकर अप्रूवल के लिए इस तरह नहीं आएंगी। मगर अफसोस तुमने तो डॉक्टर बनकर भी गवाया। मामी से वो तुम्हें पसंद करने के लिए आए थे नताशा दीदी। मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे चीटिंग, आई डोंट लाइक दिस। नाराज हो बेटा, देखो इसमें बुरा मानने की क्या बात, ये तो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है। बुजुर्गों की मौजूदगी में अगर लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे उसमें हर चीज है। हुँ? बेटा तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि उसकी फैमिली को देखने और तुम दोनों को एक दूसरे से मिला। अच्छा देखो अगर प्रयास में पसंद नहीं है ना तो कल सुबह तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आएगा, मत जाना उसके पास, कोई बहाना बना के इनकार कर दे। लेकिन लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं था। कोई खास वजह नहीं थी बेटा, हमने सोचा कि अगर तो लड़का हमें पसंद आ गया तो तुम्हें बता दें और अगर ना पसंद आया उसे टाल दे। बिना वजह तुम्हें बताते और तुम ऑकवर्ड फील करती तो क्या अच्छा होता। लेकिन व्यास को तो मालूम ही था ना। हाँ व्यास के वालदैन तो काफी अच्छे से उसके लिए लड़की तलाश कर रहे। और पता है इस बात
व्यास की अम्मी को एक बहुत प्यारी सी लड़की पसंद आ गई है। देखो कल वो तुम्हें लेने आ रहा है, तुम टाइम से तैयार हो। मैं नहीं जाऊंगी, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में? अरे भाई इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है भाई, अभी कोई कमिटमेंट तो नहीं हुई ना। तुम एक दूसरे के साथ काम करो, एक दूसरे को समझो, फिर जो चाहे फैसला कर लो। तुम दोनों पर कोई जब नहीं। अच्छा कोई गलत बात नहीं, अच्छे लगते आप इसका ना करिए ना। अच्छा अच्छा ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, तुम सो जाओ। इतने दिन से इस ट्यून को प्ले कर, तुम्हें अभी तक इसकी शायरी नहीं है? अभी रोजे भी आने वाले हैं और खाली पेट पे शायरी कैसे होती है? रोजे आ रहे हैं, ईद आ रही है, एल्बम कंप्लीट करनी है, लाइव शोज, अलग लाइनअप हुए, किस तरह हैंडल करेंगे हम ये सब? यार इस वक्त भेजा भी खाली, पेट भी खाली। यार आमिर सैंडविच तो मंगवा दो। यार कोई सैंडविच सैंडविच नहीं, पहले हम गाना तो कम्प्लीट कर लें। गाना चलो यार मुझे शायरी सोचने दो यार। चौली तो नहीं आई यहाँ? सॉरी। यार आमिर ये जो तुम्हारी कजिन नताशा है तो बड़ी अच्छी। क्या? हाँ यार नताशा अच्छी भी है, ये जो साथी कोई डॉक्टर लड़का है जो उसे छोड़ता है या कभी पिक करता है, ये कौन लगता है तुम्हारा? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जो खूबसूरत कजन्स होती हैं लोगों की वो ज्यादा से फारिग तो नहीं रहती ना, कोई ना कोई प्रपोज कर ही देता है उन्हें। कोई ना कोई नहीं, देख लेना डॉक्टर इसे प्रपोज करेगा। इस डॉक्टर के घर वाले तो यहाँ किसी इरादे से आए थे, और मेरी खाला भी यही चाहती है कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। यार आमिर तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इसके साथ? मैं? तुम्हारा दिमाग तो भी खराब हो गया। मैं उससे जान छुड़ाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूं। यार तुम प्लीज मुझे शायरी करने दो यार, मुझे सोचने दो। चलो ध्यान भाई आप मोहब्बत करेंगे तो आपसे शायरी भी होने लगेगी, करें तो सही बजाएगा। लेकिन मैं किसी को मंतजर रखना पसंद नहीं करती। चलें? चलें। मैं सुना कि आज आपने बहुत ही डिफिकल्ट पेशेंट को बहुत अच्छी से हैंडल किया। ओह यस, वो एक टीनेज लड़का है, मोहब्बत में नाकाम होकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बहुत दिनों से वो किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर रहा था। फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया?
थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी मोहब्बत से। आप कर सकती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी शक्ल उस लड़की से जरा मिलती थी इसलिए वो मुझे इनकार ना कर सका और मेरे हाथ से दवा खा ली। अब बैठा खाना खा रहा है। इसका मतलब आपने आते ही मसीहाई शुरू कर दी। यही तो डॉक्टर की जिंदगी का मिशन होता है। लेकिन डॉक्टर साहबा इस मिशन से हटके भी जिंदगी कुछ डिमांड करती है। जी हाँ, इसलिए आप हर रोज शाम को टेनिस खेलने क्लब चले जाते हैं। मैं टेनिस खेलता हूँ यार, कैसे पता चला? आपके क्लब पार्टनर डॉक्टर साफ्टर बता रहे। अकेला आदमी हूँ, टेनिस भी ना खेलूँ तो क्या? आपसे इतनी दफा कहा है कि सूट मेरे साथ रात का खाना खाइए, लेकिन आप हैं कि मैं तो हॉस्पिटल के बाद इतनी थक जाती हूँ कि कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। तो क्या हमारे किस्मत में डॉक्टर सफदर और सिर्फ टेनिस ही रह गए? तो इसका मतलब है आपको किसी दिन डॉक्टर सफदर और टेनिस से छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। That will be great. तो ऐसा करें संडे को खाला के आ जाए डिनर पर। ओके शुक्रिया, चलिए। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी कोई फैसला नहीं किया। मम्मी प्लीज, ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ हाँ करूंगी शादी, ये तो नहीं कहा कि नहीं करूंगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज मैं कुछ नहीं जानती, ये नहीं आप सालों से बात करें। हेलो। हाँ तुमसे तो नहीं करवा लिया? अरे लड़कियां ऐसे ही करती हैं। मैं मना लूंगी ना? हाँ हाँ लड़के वालों ने तो पसंद कर लिया है, बल्कि लड़के को बहुत पसंद आई है। वो लोग तो बगनी की अंगूठी लेके बैठी हूँ। तो और क्या, 4 महीने तो हो गए अस्पताल में साथ आते जाते काम करते, और कितना वक्त चाहिए? हाँ वो इसके अगले दिन रस्म करना चाहती है। बहुत अच्छे लोग हैं, तुम फिक्र नहीं करो ना, बस तुम अपने आने के इंतजाम करो, बाकी सारे काम मुझसे छोड़ो। ठीक है, अर्षद भाई को मेरा सलाम। भाई इस दफा तो ये ईद डबल खुशियां लेकर आ रही है, हम नताशा की डॉक्टर व्यास से मिलने जा रहे हैं। गुड न्यूज, कम से कम यहाँ तक तो जाएगी ना? क्या मतलब? तुझे क्या इतराज होती है रहने? पापा हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं, हर वक्त उसकी खूबियां गिनवाते रहते हैं। भाई उसमें कुछ खूबियां हैं तो गिनवाते हैं ना। अच्छा छोड़, पिछली दफा डॉली की बर्थडे पर जो कार्ड से पाए थे ना बहुत अच्छे थे, तो वहां से जाकर कुछ डिजाइन दिया और नताशा से पसंद करवा। तुम्हारे पापा आएंगे ना तो हम उसका मजमून बना लेंगे और फिर तुमसे जाके छपवा देंगे। मैं नहीं कर सकता, आप पापा से कहिए कि अपने ऑफिस के किसी आदमी को भेजें और सैंपल्स मंगवा लीजिए। हमारा एल्बम आने वाला है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। मैं नहीं लोगों के फजूल काम करने के लिए बैठा हुआ। अरे अरे बहुत बदतमीज हो गए तुम, ठीक है मैं खुद ही करा लूंगी। मैं दरअसल मैं अपने किसी काम से आया था। चले इत्तेफाक ही सही, आपसे मुलाकात तो हुई। दरअसल मेरा एक दोस्त बीमार था। अच्छा क्या बीमारी क्या उसको? बीमारी तो कुछ है, दिल का मरीज है, हार्ट पेशेंट है। इसका मतलब है डॉक्टर एहसान का पेशेंट है ना? आप मुझे उसका नाम बताइए। नाम किसका? सही आपके हार्ट पेशेंट दोस्त का, मैं देख लेता हूँ उसको। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद ही अपने। हाँ मैं तकलीफ कैसे, नदीम तुम जाके एक्सरे लो, मैं भी आप ये चल मैं भी ला आई आपसे बैठ के बात कर। ये जो है ये डॉक्टर का फर्ज, इसमें तकलीफ की कोई ऐसी बात नहीं, और वैसे भी आपसे हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, तो क्या आपका दोस्त हमारा दोस्त नहीं होगा? हाँ ये तो है, लेकिन अब तक तो वो घर भी जा चुका होगा। समझाइए उसे, बीमारी को अगर इब्तदा ही में पकड़ लिया जाए तो कंट्रोल में आ जाती है, वरना देर करने से मामला बिगड़ भी सकता है। जैसे देर नहीं करनी चाहिए वैसे ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अब आप खुद ही देखिए ना, आप अपनी शादी के मामले में कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे। इसका मतलब है आप नताशा को और आपको मिले हुए अभी अर्सा ही कितना गुजरा है, सिर्फ चंद माह, और मैं उसे अर्से से जानता। कभी आपने ये सोचा कि मैंने नताशा से शादी क्यों नहीं की? आपने? भाई मेरी फर्स्ट कजन है, खूबसूरत है, बचपन से हमारे घर में ही रही है,
लेकिन कभी आपने सोचा कि मैंने उससे शादी तो क्या मंगनी भी नहीं की। आप पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी आदतें ऐसी। आदतें क्या? क्या बुरी आदतें हैं उसके अंदर? कोई एक हो तो बताओ। कभी आपने उसे गुस्से में देखा है? नहीं, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। भाई यही तो कमाल है कोर्टशिप का। इंसान अपना वो रूप दूसरे के सामने पेश करता है जो बहुत खूबसूरत होता है, और बेचारा दूसरा के जाल में फंस जाता है। जाल में? अब आप देखें ना, आप तो नताशा को जानते नहीं है। आपको पता है गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती है, चीजें उठा उठा के फेंकती है। आप तो खुद डॉक्टर है, आपसे क्या पड़ता। खुद उसके डैडी के खानदान में चंद पागल गुजर चुके हैं, और खुद उसके डैडी। लेकिन उसके डैडी तो डिप्लोमेटिक सर्विस में है। अरे ये महज एक डिप्लोमेटिक झूठ है, और वो मेरी मम्मी ने सिर्फ इसलिए आपसे बोला है ताकि उस बेचारे की कहीं शादी हो जाए। आखिर भांजी है ना उनकी, कहीं तो ठिकाने लगाने ही है। लेकिन लेकिन ये तो ज्यादती की बात है। हाँ ये तो है। अगर आपको पता है उसने दो मरतबा खुदकुशी की कोशिश भी की है। खुदकुशी? लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में तो उसने खुदकुशी के केस को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। भाई जानती थी ना खुद, जो दो दफा कोशिश कर चुकी है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ये तो आपके सोचने की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ। अचानक आप मेरे खानदान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक्चुअली आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहा था। क्यों, आपको क्या लगता है मेरी फैमिली में कोई खानदानी बीमारी चली आ रही है? प्लीज रिलैक्स, आप गुस्सा मत कीजिए। असल में मैंने सुना है कि आपके खानदान में कुछ लोग दिमागी तौर पर जरा कमजोर थे। क्या, किसने कहा आपसे ये, कहाँ से सुना? देखिए नताशा, खानदान के लोगों को तो ये बातें मालूम हो ही जाती। खानदान वाले? कौन से खानदान वाले? क्या कहा गया है आपसे? किसने बकवास की है आपसे ये? यही कहा है कि आपके खानदान में पागलपन की मौरूसी बीमारी है। क्या? और आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों इसी बीमारी से फौत हुए थे। मेरे ग्रैंडफादर? और आपके वालिद में भी इसके साथ मौजूद हैं? नाम बताइए, मैं कहती हूँ बस आप मुझे उसका नाम बताएं। रिलैक्स, आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आपका कजिन डॉक्टर नहीं है ना, इसलिए उसने आपसे शादी नहीं। लेकिन मैं आपसे शादी करूँगा, बल्कि ये मेरी जिंदगी का मिशन होगा। आप पैसे आपसे किसी ने बहुत बुरा मजाक किया है। नहीं ना, तो फिर किस हक के बिना पर तुम मेरे मामला में दखल अंदाजी कर रहे हो? नहीं, मैंने क्या किया है? तुमने डॉक्टर रियाज से जाके झूठ बोला कि मेरे खानदान में पागलपन की बीमारी है। उन्होंने खुद ही गैस कर लिया होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बको मत, मैं जानती हूँ तुम जरूर किसी न किसी शरारत पर तुले हो। मैं तुम्हारी रब रब से वाकिफ हूँ। आखिर क्या सोचते हो तुम? तुम नहीं चाहते मेरी उनसे शादी हो? तुम करना चाहते हो शादी मुझसे? मैं क्यों करूँगा तुमसे शादी? मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और हॉस्पिटल में डॉक्टर रियाज तुम्हारे बारे में मुझसे खुद अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। मुझे तो डॉक्टर रियाज बहुत ही शक्की मिजाज लगते हैं। बार दफा जो लोग बाहर नजर आ रहे होते हैं, अंदर से बिल्कुल वैसे नहीं होते। मैं कुछ कुछ इंसान को परख लेती हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में फिक्रमंद होने की। और आइंदा मेरे मामला में दखल अंदाजी मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं खालू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। देखो बिना वजह मुझ पर ठोस जमाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना मेरा कोई कसूर नहीं है। और ये देखो तुम्हारे मंगनी के कार्ड का सैंपल। मैं क्यों चाहूंगा तुम्हारी शादी रुकवाना?
मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, पर वह रोल मॉडल बन के पापा के सामने मेरी इंसल्ट कराती रहती हो। जब मेहमानों की लिस्ट तैयार हो जाए ना, तो ये कार्ड भी मुझे दे देना, मैं खुद बांट कर आऊंगा। और कुछ? समझ में नहीं आता वो स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है। बेगम साहबा, ये डॉक्टर व्यास के घर से ईडी आई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी अच्छी। अरे 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 देखो, अल्लाह मुबारक है, कितना खूबसूरत है। और ये चूड़ियां भी हैं, ये देखो। इन सब की क्या जरूरत थी अभी? बेटा उन्होंने खुशी से भेजी है ना, खुशी से कबूल करो, अल्लाह मुबारक करे। मिठा कर देगी? हाँ बहुत अच्छा, चलो यहाँ रखो इनको संभाल के, और ये मेहंदी भी संभालो। आमिर देखो जरा फोन देखो बेटे। मेरा नहीं होगा। मैं देखती हूँ। हेलो प्यार, क्या हाल है भाई? इतनी सारी चीजें क्यों भेजने वाली मम्मी ने? अरे भाई ये पुरानी रस्में हैं जिन्हें मुझे जिंदा रखना चाहती है। लेकिन अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है ना। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मम्मी डैडी आके ही फाइनल करेंगे, तो फिर ये सब क्या है? भाई तुम जितना वक्त चाहती हो ले, ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा ईद का तोहफा है, बस इसको तोहफा समझ कर पहन। और वैसे एक बात, इसका कलर मैंने खुद पसंद किया था। हाँ बहुत खूबसूरत है, तुम पहनोगी तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं रात को फोन करूंगा, तुम हो ना? हाँ ठीक है, ओके Okay. तो तुमने फैसला कर लिया ना? नहीं वो फैसला ही समझो, अब उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, आते ही सारे मामला संभाल लेंगे। चल ठीक है, संभाल लेंगे। वाह क्या जबरदस्त सामान आया है, मिठाई डॉली देख रही हो तुम? ये मेहंदी कितनी जबरदस्त आई है ना? और ये चूड़ियां, छन छन करती चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं। क्या कर रहे हो? जरा खड़ी होना चाहता, खड़ी होना। ये देखो तुम्हारे हाथ में कितनी अच्छी लगेंगी, ये कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में चाहता। ये दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है, ये दुपट्टा गोरी घूंघट में शर्मा, गोरी घूंघट में शर्मा, आंचल उड़ता जाए। आप भी मेरे साथ नताशा की मम्मी की खुशी मनाए ना, देखे कितना जबरदस्त सामान आया है। आप देखे मेरे साथ खुशी मनाए ना। पागल हुआ है क्यों करते पैसे, छोड़ दे, खराब हो जाना। मैं देखती हूँ इसे, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने तो तुम्हें वार्न किया था कि मेरे मामले में दखल मत देना, वरना तुम क्या कर लोगी? मार दोगी मुझे, फांसी चढ़ा दोगी, क्या कर लोगी मेरा? मैं इस्तांबुल चली जाऊंगी वापस, और फिर कभी नहीं आऊंगी। तो चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। शादो गर्म पानी लेकर आओ। अभी
मम्मी बेटा बात चिल्ला रहा है देख लो हम तो सीख रहे देखो कहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ खाला कुछ भी नहीं है बस हल्की सी मोच है आप पेन किलर ले आइए मैं बैंडेज कर देती हूँ कुछ भी नहीं हुआ सीधे बैठो सीधे बैठो नताशा, मैं भी कितना बुरा इंसान हूं खाम खा तुम्हें तंग करता रहता हूं पता नहीं मुझे क्या हो गया है मैंने डॉक्टर रियाज से भी झूठ बोला था उन्हें तुमसे बदजन करने की कोशिश की थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे रेड राइडिंग हुड का भेड़िया सामने आ गया थोड़ी सी मुशाबहत तो है उसमें लेकिन फिर भी मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मैं जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता बस मुझसे अनजाने में ऐसा हो जाता है मेरा दोस्त मुझे कहता है कि शायद मुझे मोहब्बत हो गई है मैं नहीं जानता कि मोहब्बत कैसे होती है मैंने पहले कभी की भी तो नहीं ना दिन से तुम मुझे बहुत याद आने लगी हो मैं तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ कर आड़े तिरछे जावियों से छुपा कर अपने सामने पेश करता हूं ताकि तुम मुझे नजर नहीं आओ मुझे बुरी लगो मगर तुम तो मुझे और भी साफ नजर आने लगी हो तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो नताशा तुम ही बताओ मैं क्या करूं तुम तो डॉक्टर हो तुम ही बताओ ऐसे मरीज का क्या इलाज है इसका ये इलाज है पहले से ही पता था ये तो मैंने हाँ नहीं की